हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, दोस्तों हाई स्कूल इंटर का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। और दोस्तों जो लोग बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमए एमएससी एमकॉम में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत की वेबसाइट पर और दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत एफिलेटेड टू एमजेपीआरयू बरेली से जो कॉन्टैक्ट है दोस्तों यूनिवर्सिटी इसकी है, जो दोस्तों उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें टाइप करना है upadhimahavidyalay.com। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसमें टाइप कर लेना है। दोस्तों मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप करके बता दिया है, इस तरह से आपको वेबसाइट टाइप कर लेनी है। अगर दोस्तों आप इस तरह से वेबसाइट टाइप नहीं करेंगे अपने ब्राउज़र में तो आपको ये उपाधि महाविद्यालय साइट की वेबसाइट जो आपको पूरी तरह से आपके मोबाइल में एक्सेस नहीं हो पाई। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसमें टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो दोस्तों उपाधि महाविद्यालय की जो मुख्य वेबसाइट है वो आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस थ्री डॉट यहाँ पर एक बिंदु मिलता है दोस्तों, इस तरह से आपको ऊपर आप अगर इसे मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बिंदु मिलेंगे थ्री डॉट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है, और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डेस्कटॉप साइड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइड मोड, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने डेस्कटॉप मोड साइट पर परिवर्तन हो जाएगी और आपके मोबाइल में बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस करेगी। दोस्तों इस तरह से आपकी जो मुख्य वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए दोस्तों अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताती हैं, उस पर लेके चलते हैं। दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है और आपको यहाँ पर एक नोटिस फॉर स्टूडेंट वाला एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको नोटिस यहाँ पर चलते हुए मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस मिलेगा दोस्तों, इस तरह से ये वाला। दोस्तों आपको 17/2021 वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से 17/2021 हेतु बीए बीएससी बीकॉम बीबी बीए प्रथम वर्ष के ऑनलाइन प्रवेश हेतु पंजीकरण हेतु आवश्यक सूचना। दोस्तों आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, एक यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पीडीएफ ओपन। तो दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत, उसके बाद एमजेपी रोल कन विश्वविद्यालय इसका बरेली संबंध है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मिला आपको उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पीलीभीत, उसके बाद नीचे आपको मिला आवश्यक सूचना। दोस्तों यहाँ पर आपको आवश्यक सूचना के नीचे आपको ये कि जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो दिनांक 2/8/2021 को यहाँ पर जारी हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे निर्देश दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार 17/2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर से संपन्न होनी है, अतः महाविद्यालय द्वारा बीए दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर बहुत मेन चीज़ है बीएससी बीकॉम एवं बीए। दोस्तों यहाँ पर प्रथम वर्ष के ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण, जैसे कि दोस्तों जिन्होंने अभी इंटर की जो परीक्षा है वो पास की है, इनका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीए प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण महाविद्यालय की वेबसाइट upadhimahavidyalay.com पर दिनांक 2/8/2021 से प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पर जो एडमिशन प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सभी प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी अपना ऑनलाइन पंजीकरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर जल्द से जल्द कराकर अपनी हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की जो अंक तालिका यानी आपकी जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है और आपका आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी आपकी हाई स्कूल और इंटर की अंक तालिका यानी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र की जो फोटो कॉपी है वो आपको इसके साथ संलग्न करने के बाद महाविद्यालय में जमा करना करें सुनिश्चित करें। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है। दोस्तों आप इस तरह से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम ले चलते हैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर आ जाना है, और ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना, आपको होम वाले बटन पर क्लिक कर देना चाहिए। दोस्तों होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से साइट खुलकर आ जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एडमिशन,
दोस्तों अभी मेरे पास इस समय कोई भी एडमिशन नहीं है, ताकि मैं आपको इसका ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस करके बताऊं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नया इंटरफेस खोल कर आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो भी है आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है इस तरह से, जो भी आपका आधार नंबर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है पासवर्ड, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये करना है। अगर आप नए पंजीकरण पर बताएँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल दोस्तों आप यहाँ पर इंटर पास करके आए हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर फॉर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर रजिस्टर फॉर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना MJPRU रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर इसमें फिल कर देना है। दोस्तों आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको अपना आधार नंबर इसमें फिल कर देना है। उसके बाद अपनी एक ई मेल आई डी, जो भी वैलिड ई मेल आई डी है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसके आधार पर आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डालेंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर डाल देना है। दोस्तों आपको पासवर्ड क्या बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अजय है, तो दोस्तों आपका नाम ये अजय है इस तरह से दोस्तों अजय। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने नाम का पहला एक करेक्टर लेना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटे लेटर में आपको लेना है, फॉर एग्जांपल ये छोटे लेटर में जी ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ भी लेना है, कोई डिजिट लेना है आपको इस तरह से। उसके बाद आपको एक स्पेशल करेक्टर लेना है, जैसे @ है या फिर ये है इस तरह से, ये लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ करेक्टर और लेना है, ABC कुछ भी आगे लगा देना है इस तरह से। आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, यहाँ पर दोस्तों लोअर केस अपर केस और फिर डिजिट और यहाँ पर कोई भी स्पेशल करेक्टर, यानी सब मिलाकर आपको यहाँ पर इस तरह का पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है साइन अप, तो दोस्तों जैसे आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बैग चले आना है, और बैग चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन फॉर्म, दोस्तों आपको लॉगिन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। और लॉगिन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपको भाई आधार नंबर और भाई अपना पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा, आपको फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अगर कोई फॉर्म आता है मेरे पास तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी पूरी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल Study95 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले नोटिफिकेशन जरूर मिलें। दोस्तों मैं इसकी वीडियो में आपको बनाकर ज़रूर बताऊंगा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।